ब्लॉक मुंडा पांडे के ग्राम पंचायत अक्का डिलारी में सभा संबोधित करने पहुंचे भाजपा के अल्पसंख्यक प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद रफी ने सभा में बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार गरीब और किसानों की हमदर्द है। भाजपा सरकार जिस तरह से देश में विकास करा रही है उससे विपक्षी दल खुश नहीं है। विपक्षी दल नहीं चाहते कि देश में विकास हो। अब जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति में जुटे हुए हैं, जबकि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास हर एक भारतीय को अपने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। अगर हाईकमान मुझे विधानसभा कुन्नर की 29 का उम्मीदवार बनाकर मैदान में भेजती है तो मैं उस पर खरा उतरूंगा और मैं विधानसभा 29 की सीट पर जीत हासिल कर जनता के जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को कराऊंगा। अगर हाईकमान किसी और को भी भाजपा से विधानसभा कुन्नर की 29 से उम्मीदवार बनाकर भेजती है तो मैं उसे भी दिन रात मेहनत कर कर जिताने का काम करूंगा। सभा में मुस्तफ़ा चौधरी, फुरकान अली, मुस्तफ़ा अहमद, राजा मियां, रहमत अली, दानिश चौधरी आदि उपस्थित रहे। मोदी की है, आज मैं यहाँ पर आया हूँ गत्ता फैक्ट्री दलपतपुर, भाई मुस्तफ़ा भाई के यहाँ पर सभी लोग जो हमारे साथी हैं उनसे मिलने के लिए परिचय बैठक थी जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अवगत कराया और 2022 में फिर से भाजपा सरकार लाने का संकल्प लिया। अच्छा, बताया जा रहा है मैं ज़्यादातर गाँव में जा रहा हूँ, नगर में जा रहा हूँ और जमीनी स्तर पर जो मजदूर हैं, बेसहारा हैं और जो कौम के लोग हैं जिन्होंने अभी तक शिक्षा के अभाव से दूरी बनाए रखी, जिन्हें पढ़ने नहीं दिया गया, उन्हें जागरूक कर रहा हूं और जो भी जन समस्याएं हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जन समस्याएं जैसे बच्चों खेलने के मैदान हैं उसके लिए मैं पहल कर रहा हूं, क्योंकि ये कब्रिस्तान और जो ईदगाह ऐसी जगहों पर खेलते फिरते हैं, ऐसी जन सुविधाओं के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं और हर उस मजलूम और दलित समाज से मिल रहा हूं जिनकी जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं और 2022 में यहां पर कमल खिलाने के लिए पूरी तरह से तत्पर। देखिए, हर इंसान को लोकतंत्र है यहां पर लड़ने का अधिकार है, हर इंसान टिकट मांग सकता है। मैं भी दमदारी से मांग रहा हूं, जिसे भारतीय जनता पार्टी चुन के भेजेगी वो चुनाव लड़ेगा, जिसे पार्टी मैदान में उतारेगी उसको मैं जिताऊंगा और हम सब मिलकर 2022 में यहाँ पर 29 विधानसभाओं में कमल खिलाएगी। अच्छा, के बीच में पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि जो अब तक हिटलर शाही हुकूमत यहाँ पर होती आई थी, विकास यहाँ पर हुआ ही नहीं, कौम को सिर्फ गुमराह किया गया, सिर्फ वोटों का यूज किया गया, वोट लेके सिर्फ लोगों ने अपनी हवेली और पंप बनाए, यहाँ पर कोई विकास नाम की चीज नहीं की। तो इंशाल्लाह इस जनता ने ठाना है कि इस बार यहाँ पर परिवर्तन लाना है, क्योंकि जो विकास करेगा वो आएगा और जो वादे करेगा वो नहीं आएगा। बीजेपी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि एक नया चेहरा आपका बेटा आपके बीच में आया है और अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनकर यहाँ से भेजती है तो आप पूर्ण बहुमत से मुझे जिताइए, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा, आपके हर वक्त में मैं खड़ा रहूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ वो अपनी रोटियाँ सेक रही हैं। कृषि कानून हम लोग लाए थे देश हित के लिए, जब हमारे किसान भाइयों ने ये सोचा कि ये हमारे हक में नहीं है तो प्रधानमंत्री जी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि मैं देश सर्वोपरि है, मैं देश के साथ हूँ, उसे देखते हुए उन्होंने ये कृषि कानून वापस लिया। अच्छा, कुछ प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया है संसद सत्र के इस महीने के लास्ट में हम ये कानून वापस ले लेंगे, तो वो सर्वोपरि है, प्रथम नागरिक है, उनका जो कहना है वो अटल है और जो भारतीय जनता पार्टी का नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो एकदम हक है।